जेओआईटी का टेस्ट, पटवारी का टेस्ट, गार्ड का टेस्ट, मैं कहता हूँ जो एसएसबी हमीरपुर है वो एक मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार का अड्डा था। और मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जो देवी देवभूमि है उस पे ये कलंक लगा है, देश के अंदर कलंक लगा है। और जिस तरीके से पटवारियों के पेपर बिके, जेओआईटी के पेपर बिके और गार्डों के पेपर बिके, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो पेपर सेट करती थी। वे बात करते हैं गारंटियों की, ये गारंटी थी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी कि हम अगर सत्ता में आएंगे हिमाचल प्रदेश की जनता की बदौलत हमको हम ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करेंगे। बहुत से लोग, बहुत से मगरमच्छ जो लगातार मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करते रहे, वो जो है वो सामने आएंगे। और ये नहीं, ये आने वाला समय विधानसभा आएंगी जाएंगी, अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन ये जरूर कहा जाएगा कौन उसमें का होम मिनिस्टर था, कौन उसमें का उस विभाग का मुखिया था। जब पेपर, ये देवी देवताओं का प्रदेश है, जो पेपर चोरी किए। और ये भी लिखा होगा आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आते ही उन्होंने जो स्टेप लिए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जेओआई का वो टेस्ट, पटवारियों का टेस्ट, गार्डों का टेस्ट, ना जाने कितने अन्य ऐसे टेस्ट हुए हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों ने, कहा कहीं 1,80,000, कहीं 2,67,000, कहीं 1,65,000। ये मैं आपको बताना चाहूं, इतने लोगों ने जो एलिजिबल लोग थे उन्होंने अप्लाई किया, माता पिता आस कर रहे थे सरकार पे, हिमाचल प्रदेश के लोग विश्वास करते हैं देवी देवताओं की ये भूमि है। लेकिन मैं कहता हूं बेरोजगारों ने अप्लाई किया, लेकिन जैसे ही टेस्ट नजदीक आते थे यहां एक माफिया हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में माफिया जो है एक एक्टिवेट हुआ। और उस माफिया के जरिए मैं कहता हूं कि आज विपक्ष के लोग चले गए हैं, किस तरीके से पेपरों को बेचा गया, किस तरीके से पेपर सॉल्वर, ये इतिहास हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये पिछले 5 साल काले दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, खासकर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। कहां जिसने ये निर्णय लिया क्लास 3 क्लास 4 का, बड़े बड़े मंचों पे कहा गया 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, उस पे व्हाइट पेपर, जब हम चुनावों में गए हमने व्हाइट पेपर मांगा, लेकिन ऐसा रोजगार उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कहूंगा जेओआईटी का टेस्ट, पटवारी का टेस्ट, गार्ड का टेस्ट, मैं कहता हूं जो एसएसबी हमीरपुर है वो एक मैं कहता हूं भ्रष्टाचार का अड्डा था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा किसके शह पे ये काम हुआ, किसने संरक्षण दिया, क्यों नहीं इनको एक टेस्ट पे, दूसरे टेस्ट पे, सुंदरनगर की बात हो, धर्मशाला की बात हो, हमीरपुर की बात हो, और कहां कहां पे ये पेपर मिले, कौन ऐसा आदमी है सदन के जरिए जाना, कौन से ऐसी मैं कहता हूं संरक्षण था, किस सरकार का संरक्षण था कि बार बार जो है पेपर बिके। और मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश की जो है देवी देवभूमि है उस पे ये कलंक लगा है, देश के अंदर कलंक लगा है। और जिस तरीके से पटवारियों के पेपर बिके, जेओआईटी के पेपर बिके और गार्डों के पेपर बिके, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कौन सी ऐसी एजेंसी थी जो पेपर सेट करती थी, कौन सी ऐसी एजेंसी थी। और इसमें जहां इंक्वायरियां हुई हैं, बहुत सी इंक्वायरियां हुई हैं, लेकिन उन इंक्वायरियों का क्या रिजल्ट निकला, हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार ये जानना चाहता है। नंबर 1, जेओआईटी का पेपर सेट करने वाले कौन थे, कौन सी कमेटी थी, प्रिंट करने वाले कौन थे, और जहां से ये लीक हुआ उस पे मैं आपके द्वारा ये जानना चाहता हूं उस पे क्या कार्रवाई हुई। पटवारियों के पेपर, गार्डों के पेपर, पटवारियों के पेपर को सेट करने वाला कौन था, उसके आगे एग्जामिनेशन सेंटर पे जो सॉल्वर आए उनका कौन संरक्षण दे रहा था, एक बार नहीं हुआ, पिछले 5 सालों में लगातार ये 5 बार हुआ है और हर साल हुआ है। और तो और मैं आपको बताऊं जिस तरीके से
मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं सदन के नेता का कि कल पिछले कल आपने जो बहुत बड़ा मैं कहता हूं हिमाचल के बेरोजगारों के साथ मैं कहता हूं आदरणीय सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा न्याय किया है। एक तो न्याय किया जो एसएसबी को भंग किया और दूसरा पिछले कल जो विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे भंडाफोड़ हुआ, उससे साफ हुआ है कि 5 साल जो वहां का सेक्रेटरी था, वहां के जो कर्मचारी थे, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय उनके अधिकारियों को जिन्होंने 3 महीने के अंदर हमारा ये जो वे बात करते हैं गारंटियों की, ये गारंटी थी हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों की, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी कि हम अगर सत्ता में आएंगे हिमाचल प्रदेश की जनता की बदौलत हमको हम ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी, भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म करेंगे। ये भी हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हम जब चुनावों में गए थे हमारी वचनबद्धता थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय का, ये जो आपने एसएसबी बोर्ड हमीरपुर में जो आपने कार्रवाई चलाई है, मैं जानता हूं अभी तो कार्रवाई चली है, बहुत से लोग, बहुत से मगरमच्छ जो लगातार मैं कहता हूं हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात करते रहे, वो जो है वो सामने आएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप, 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका, सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपी और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फैलाने, ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।